जय श्री कृष्ण प्रिय भाई बहनों, भक्त गिरवर की सच्ची कहानी के इस दूसरे भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले भाग में हमने जाना कि किस तरह से राजा चंद्रसेन उदा को राज्य का कार्यभार दे करके संन्यास लेकर वन को चले जाते हैं। उधर देश में जब अकाल पड़ जाता है तो गिरवर और गौरी भी घर से निकल आते हैं। गांव से निकलकर रात को वे लोग एक वृक्ष के नीचे लेटे थे। रात में एक काले सर्प ने आकर गौरी के पैर में काट लिया। गौरी विष से छटपटाती हुई भगवान के नाम का उच्चारण करने लगी। अंत में भगवान नाम लेते ही उसका श्वास बंद हो गया। गिरवर के मुख से निकला, भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। रात भर वे स्त्री की देह के पास बैठे कीर्तन करते रहे। सांप से काटे व्यक्ति को जलाना नहीं चाहिए। अतएव सवेरे गौरी की देह को कंधे पर उठाकर उन्होंने नर्मदा जी में प्रवाहित कर दिया। अब गिरवर अकेले रह गए। उनका वैराग्य तीव्रतम हो उठा। भगवान को पाने की लालसा हृदय में प्रबल रूप से जागृत हो गई। उनके प्राण तड़फड़ाने लगे। एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वे फूट फूट कर रोने लगे। भगवान को पुकारते पुकारते वह अनायास ही आंखों से अश्रु बहाने लगे। पुकारते पुकारते ही भक्त गिरवर मूर्छित होकर गिर पड़े। सहसा मानो कुछ और का और ही हो गया हो। नर्मदा जी श्री यमुना जी के रूप में बदल गई। वह वन दिव्य वृंदावन हो गया। सामने कदंब के नीचे मुरली अधरों से लगाए त्रिभंग सुंदर मयूर पिछधारी पीतांबर परिधान वनमाली श्री कृष्णचंद्र की दिव्य झांकी को देखते ही गिरवर के नेत्र वहीं स्थिर हो गए। शरीर जड़ की भांति हो गया, बाणी रुद्ध हो गई, हृदय जैसे आनंद सागर में हिलोरे लेने लगा। श्याम सुंदर ने अपने अमृत भरे स्वर से कहा, गिरवर तू मुझे बहुत प्यारा है, तेरे बिना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। तेरे लिए यहाँ दिव्य वृंदावन का प्राकट्य हुआ है, अब तू मेरे धाम में चल। गौरी मरी नहीं है, उसके मन में पुत्र से मिलने की जो प्रबल कामना है, अतः उसी के फलस्वरूप वह उदा से मिलकर तब मेरे धाम में आएगी। भगवान के इतना कहते ही गिरवर का शरीर ज्योतिर्मय हो गया। कुछ ही क्षणों में उसके शरीर से ज्योतिपुंज निकला और सुंदर गोप बालक के रूप में घनीभूत होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। श्याम ने उसे प्रेम से उठाकर हृदय से लगा लिया। आहा, कितना आनंद! अपने सखा और वृंदावन के सहित भगवान अंतर्धान हो गए। गिरवर का शरीर वन में वन देवी की रक्षा में वृक्ष के नीचे पड़ा रहा। इधर गौरी का शरीर बहते बहते नदी में टूटकर गिरे एक वृक्ष में किनारे पर उलझ गया था। 7 दिन तक वह वहाँ उलझा रहा, पर किसी पक्षी या जल जंतु ने उसे छुआ तक नहीं। 8वें दिन लहरों के धक्के से वहाँ से निकलकर वह आगे बह चला। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक सिद्ध महात्मा रहते थे। वे स्नान करने आए हुए थे। उन्होंने देखते ही समझ लिया कि बहने वाली देह में प्राण है। किनारे उसे लाकर उस पर अभिमंत्रित करके उन्होंने जल का छींटा दिया। इससे गौरी की देह में चेतना आ गई, वह उठ बैठी। महात्मा जी उसे कुटी पर ले आए और एक सिद्ध फल खाने को दे दिया। फल खाते ही गौरी को लगा कि उसके मन से सारे संस्कारों का बोझ उतर गया। थोड़ी देर में गौरी को अपने पति की स्मृति हुई। वह महात्मा जी दिव्यदर्शी थे। उन्होंने गौरी से उसके पति की परम गति का वर्णन किया। गौरी ने सोचा, मेरे पतिदेव ठीक कहते थे कि भगवान जो करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। मेरे समीप रहने से पतिदेव के भगवत दर्शन में मैं बाधा पड़ती। प्रभु ने मुझे पृथक करके पतिदेव को अपना लिया, यह ठीक ही हुआ। महात्मा जी ने गौरी को आत्मा की अमरता का उपदेश दिया। फिर बताया कि थोड़ी दूर पर ही उसके पति का देह पड़ा हुआ है। उस देह की अंत्येष्टि कर देने का भी उन्होंने आदेश दिया।
उसी समय कहीं से चार ब्रह्मचारी आ गए। वे गौरी के साथ हो गए। वृक्ष के नीचे गिरवर के देह के समीप एक दिव्य वसना देवी बैठी थी। गौरी के वहां पहुंचते ही वे अंतर्धान हो गईं। ब्रह्मचारियों की सहायता से चिता बनाकर गौरी ने पति का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के पश्चात भस्म को नर्मदा में बहाकर स्नान करके जलांजलि दी। अब ब्रह्मचारियों ने उसे गेरुआ वस्त्र और एक इकतारा दिया और वहां से चले गए। गौरी ने गेरुआ धारण किया, हाथ में इकतारा लिया, भगवान के नाम का कीर्तन करते आनंद में मग्न वह एक ओर चल पड़ी। उसे पता नहीं कि वह कहां जा रही है। वह चलते चलते एक ऐसे नगर में जा पहुंची जहां बड़ी धूमधाम थी, बड़ा उत्सव था। कोई वह असंग भाव से उसमें प्रविष्ट हुई। बात यह हुई कि वह नगर था महाराज चंद्रसेन का। अभी कल ही महाराज ने राजकुमार उदयराज का राज्याभिषेक किया था और स्वयं कुमार को राज्य देकर वे वन में चले गए थे सन्यासी होकर के, सन्यास लेकर भगवान का भजन करने के लिए। आज नवीन नरेश उदयराज का पहला दरबार था, लेकिन उदयराज ने अभिषेक की रात्रि में स्वप्न में सन्यासिनी रूप में अपनी माता से अपना पूरा परिचय पा लिया था। जैसा कि पिछले भाग में बताया गया था कि उनकी मूर्छा के पश्चात महात्मा जी ने बताया था कि राज्याभिषेक तक उन्हें कोई भी बात ध्यान नहीं आएगी। बन जाने से पूर्व महाराज चंद्रसेन ने भी उनको जल में पाने से अब तक की बातें बता दी थी। महाराज जब बन पधारने वाले थे तब उनके विषय में वो कहां से उन्हें लेकर के आए थे, उनके साथ क्या क्या हुआ और वह किस तरह अपनी स्मृति को विस्मृत कर चुके थे, यह सब महाराज बता गए थे। अतः वे अपनी माता के दर्शनों के लिए बहुत उत्कंठित थे। सब सेवकों को कहा गया था कि कोई सन्यासिनी आती दिखाई दे तो राजा को समाचार मिले। गौरी के नगर में पहुंचते ही उदयराज को समाचार मिला। वे स्वयं दौड़े आए और पहचान कर माँ माँ करते चरणों में गिर पड़े। गौरी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। वह कहने लगी, मेरा उदा उदा मेरा। उस समय का दरबार स्थगित हो गया। पुत्र माता को राजमहल में ले आया। गौरी ने पुत्र के मुख से पूरी बातें सुनी। उदा को भी पिता की भगवत भक्ति का समाचार मिला। गौरी के मन में जो पुत्र से मिलने की वासना थी वह पूर्ण हो गई। अब उसकी आसक्ति नष्ट हो गई। अब वह वन में जाकर भजन करना चाहती थी, किंतु पुत्र ने आग्रह किया कि वह कहीं दूर न जाकर के नगर के पास में ही कुटिया बनवा ले और उस कुटिया में रहकर ही अपना भजन करे। कुटिया बना दी गई। गौरी उसमें रहकर भजन करने लगी। धीरे धीरे उसका भगवत प्रेम पराकाष्ठा को पहुंच गया। भगवान ने दर्शन देकर उसे भी कृतार्थ किया। भगवान का दर्शन करते करते ही देह त्याग कर वह भगवान के धाम को चली गई। उदयराज अपनी पत्नी सहित भगवान का भजन करते हुए प्रजा पालन करते रहे। भगवान की सच्ची भक्ति पाकर उनका जीवन भी कृतार्थ हो गया। प्यारे भाई बहनों, जिस तरह डूबते हुए को तिनके का सहारा बहुत होता है, वैसे ही इस भव सागर में डूबते हुए मृत्यु लोक के समस्त प्राणियों को थोड़ा सा भी भगवान नाम का आश्रय दे दिया जाए, थोड़ा सा भी आकर्षण यदि पैदा कर दिया जाए, उत्पन्न कर दिया जाए, तो कल्याण निश्चित ही है। प्रभु कहते हैं कि आप बस एक कदम बढ़ा दीजिए, बाकी आपका सारा योग क्षेम मेरे ऊपर होगा। सारी जिम्मेदारी, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मेरी हो जाएंगी। आप एक बार अपने पूर्ण भाव से मुझको समर्पित होकर तो देखिए, प्रेम की जो पराकाष्ठा है वह तो स्वयं ही हो जाएगी। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि आप अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए जो कुछ भी कर रहे हैं उसे मैं आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। मैं कुछ और नहीं कहना चाहता, सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर विनम्र विनती करना चाहता हूँ कि जो भी कुछ है वह सब कुछ प्रभु का है, उन्हीं का दिया हुआ है।
हम भले ही उसे भोगें न भोगें, अपना कर्म करें, कर्तव्य करें और उससे जो भी कुछ प्राप्त हो उसे भगवत प्राप्ति समझकर ही ग्रहण करें और बिना प्रभु को अर्पित किए कुछ भी ग्रहण ना करें, इस बात का भी ध्यान रखें। इसलिए आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि एक बार हाथ जोड़ के सच्चे हृदय से प्रभु का चतुर्भुज स्वरूप स्मरण करते हुए बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भाई बहनों, एक और विनती आपसे करना चाहूँगा, यदि कोई त्रुटि हो तो प्रभु आप भी मुझे क्षमा करें और प्रिय भाई बहन आप भी मुझे क्षमा करने की कृपा करें। दूसरी ये कि यदि कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे शेयर अवश्य करें, जिससे दूसरे लोग भी अनायास ही प्रभु के श्री चरणों तक पहुंच सकें, उनका भी कल्याण सुनिश्चित हो और उसका क्रेडिट तो आपको भी मिलेगा।